पावर बीआई में आज हम अपनी इस क्लास में जानेंगे कि पावर डैक्स क्यूरी कैसे की जाए। हमने आपको डैक्स फॉर्मुलेज के बारे में बताया था, हमने पावर क्यूरी के बारे में बताया था, बट पावर क्यूरी के अंदर में डैक्स क्यूरी होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए इस चीज के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहां पे गेट क्यूरी में, यहां ब्लैंक ब्लैंक क्यूरी में क्लिक करेंगे तो आपके सामने पावर क्यूरी एडिटर खुल के आ जाएगा। आ गया। अब मान लीजिए कि यहां पे कोई डेटाबेस को आपको ऐड करना है, जैसे सीएसवी डेटाबेस उसी को ऐड करना है, तो बोलेंगे सर हम तो न्यू सोर्स से ले लेते हैं ना, मोर पे जाते हैं, सीएसवी को ले लिया हमने कनेक्ट, एक्सेल छोड़ देते हैं, सीएसवी लेते हैं, बाकी भी आप ट्राई कर लीजिएगा। सीएसवी फाइल को सिलेक्ट किया एंड ओपन। और इसको हमने कॉमा से अपडेटेड करके ओके कर दिया, ये आ गया। लेकिन इसी को हम क्यूरी ब्लैंक क्यूरी में, जिसे ब्लैंक क्यूरी दिख रहा है इसमें करना हो तो कैसे करेंगे, तो पहले जानिए कि क्यूरी क्या है। यहां आपके सामने व्यू में एडवांस एडिटर आएगा, ये आपका क्यूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने इसको कॉपी कर लेता हूं, जस्ट कॉपी कर लिया। अब यहां मैं क्यूरी वन में आता हूं और इसके एडवांस एडिटर पे जाके लेट पेस्ट कर दिया, यहां पे सोर्स आ गया। अब देखिए इसमें एक लास्ट में कॉमा लगा हुआ है, कॉमा हटा देता हूं, हटा दिया। अब इसको समझिए कि सोर्स, अब सोर्स की जगह पे मैं डेटा भी लिख सकता हूं और नीचे हमें डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है। सीएसवी डॉट डॉक्यूमेंट फाइल कंटेंट्स, फाइल का पाथ हो गया, डिलिमिटर क्या कॉमा, कॉलम के किस बिहाफ से लेकर आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। अब यहां पर 10 है, हो सकता है कि 15 और 20 हो, तो इसको डायनेमिक करने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब यहां पे आता है एनकोडिंग, एक एनकोडिंग का कोड होता है और ये स्टाइल नन वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा सकता हूं। यहां पे देखिए नो सिंटैक्स एरर आ गया। तो यहां पे लेट हुआ, लेट में आपने यहां पे अपना कोड लिखा और यहां पे उसको कॉल किया, इनमें इनमें जो कॉल करेंगे वही आपको यहां शो करेगा डेटा। डन कीजिए। आ गया। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि यहां पे तो बहुत सारा था, तो एक बार कोड को समझने की कोशिश करें। ये पहला सोर्स हो गया जिसने कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, दूसरा जिसने हीडर को प्रमोट किया है, लिख रहा है ना, यहां पे इसने हीडर को प्रमोट किया है। अगर आप यहां आपने क्यूरी में भी हीडर को प्रमोट करना चाहे तो कर सकते हैं, कैसे, अब यहां पे आप कॉमा लगा दें एंटर और यहां पे अब ही प्रमोटेड हीडर आपको दिख रहा है ना, अब इसके जगह पे मैं पीडी भी लिख सकता हूं, पीडी पीडी टेबल प्रमोटेड हीडर सोर्स, किस पे करना है, सोर्स मतलब कि ऊपर जो डेटा है वो डेटा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ट्रू, अब यहाँ पे कॉमा हटा दीजिए, यहाँ एरर हट जाएगा। अब यहाँ पे डेटा करेंगे तो नहीं कुछ आएगा, अब यहाँ पे आपको करना होगा हैश पी डी, ठीक है, एंटर। आ गया, समझे। अब बोलेंगे इसमें तीसरा लाइन भी था, तो तीसरा लाइन में समझिए क्या है, तीसरा नाम है चेंज डेटा टाइप, इसने डेटा टाइप चेंज किया हुआ है कि आईडी को यहाँ पे इंटीजर, नेम को टेक्स्ट, जनवरी को टाइप, इस तरह से इसने डेटा टाइप कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। बट हर किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अगर एक क्यूरी जो मैंने अभी यहां पे लिखा है इसको डायरेक्ट आप लिख दें तो आपको यहां से डेटा एडिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां लास्ट में एक टोटल करना है, टोटल का ऐड करके सबको सम करना है,
तो हम ऐड कॉलन में कस्टम में जाएंगे, ठीक है। और यहां पे हमने लिख दिया टोटल, और यहां पे मैं इसको प्लस किया सम, इसको किया सम, इसको किया सम, नो सिंटैक्स एरर। बोलेंगे यहां पे तो एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? सर ये सारा एबीसी है इसका फॉर्मेट जो है ना। जी हाँ, तो ये आपका एबीसी है, इस कारण से ऐसी दिक्कत हुआ है। तो इसको क्यूरी के जरिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर आप इसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद इसमें ट्रांसफॉर्म में डेटा टाइप टेक्स्ट की जगह पे इसको कर दें होल नंबर। अब आप देखेंगे इसकी पावर क्यूरी में व्यू में एडवांस एडिटर में, तो आपको यहां पे दिखेगा, दिख रहा है आपको? लेकिन अभी भी आपका सिस्टम यहां एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा सीक्वेंस गलत है। अब मैं इसको कट करके नीचे पेस्ट कर देता हूं, लेकिन ऐसा पेस्ट करने से हो नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए हमने कॉल किसको किया है, एड कस्टम को कॉल किया, तो यहां हमें पीडी को कॉल करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। पीडी, उसके बाद यहां पीडी को नहीं करेंगे, यहां किसको कॉल करेंगे? एस कस्टम टाइप, समझे? चेंज टाइप आ गया ना। और यहां से इसको डिलीट कर दीजिए कॉमा को, और यहां जो कॉल होगा होगा हैश एडेड कस्टम, एडेड कस्टम। अभी भी इसमें एरर दे रहा है, अभी भी इसमें एरर दे रहा है, तो इसके पीछे रीजन है कि हमने यहां पे कॉमा नहीं लगाया है। हो गया एंड का, अब आ गया टोटल समझ गया ना। तो इस तरीके, अब मान लीजिए कि मुझे इसमें एक काम और करना, अभी से ये 1 2 3 दिख रहा है ना, मुझे इसको ये करना है, इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट में देखिए आप ट्रांसफॉर्म में, तो डेटा टाइप एनी है, एनी के जगह पे मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, होल नंबर, तब इस पे आगे कैलकुलेशन हो पाएगी। अब आगे कैलकुलेशन क्या करना है, आगे कैलकुलेशन करना है मुझे इस पे जीएसटी निकालना है। तो यहां व्यू पे आते हैं, एडवांस एडिटर, को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी यहां पे, यहां कॉमा देना होगा, कॉमा यहां पे पेस्ट। अ कस्टम टाइप 1 यहां पे ना देखे, मैं यहां पे 2 कर देता हूं, और यहां हम किसको कॉल कर रहे हैं, हम कॉल करेंगे चेंज टाइप 1 को, चेंज टाइप 1 क्या होना चाहिए, होना चाहिए जीएसटी, जीएसटी। हमने चेंज टाइप 1 क्यों किया, क्योंकि इससे पहला लाइन में चेंज टाइप 1 है ना, इसलिए इसको लेके आया। और क्या करना है, तो यहां पे हमने बोला कि हमें टोटल का %18 निकालना है, अभी भी एरर दे रहा है। कॉमा एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे कोई कॉमा नीचे एडेड कस्टम 2 आएगा ना सर, यहाँ पे एडेड, हाँ यहाँ पे इनमें 2 आएगा, एडेड
नहीं उसकी दिक्कत नहीं, यहाँ पे टोकन कॉमा टेकन कॉमा एक्सपेक्टेड, इसमें बोला है कॉमा कहीं भी छूटा हुआ है। अच्छा यहाँ परसेंटेज का सिंबल नहीं लेगा, 0.18। अब आ गया ना, ठीक है एंड डन। बट यहाँ पे एरर आया है, ये सही से नहीं कर पाया। जी सही तो है, चेंज टाइप वन, इसे बोल रहा है द फिल्म टोटल ऑफ रिकॉर्ड वाज नॉट फाउंड। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है पता होगा। और इनवर्टेड कॉमास होना चाहिए, नहीं नहीं इनवर्टेड कॉमा नहीं होना चाहिए, एक बड़ी ब्रैकेट में होता है। तब यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, ओवरराइट जो है हमारा यहाँ भी हो सकता है। यहाँ जो ओवरराइट करेंगे तो यहाँ से भी ओवरराइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नया स्टेप ऐड नहीं कर सकते। तो अब आप लोग जो है ना इसकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए किस तरह से चेंज टाइप होता है, और बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इसकी, वो लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग माइक्रो में जैसे हम लोग करते थे सेम उसी तरह से यहां भी करना है। ओके ओके सर।